हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैपटॉप्स अगर आप 30,000 के नीचे लेने का प्लान कर रहे हो। देखो दोस्तों, 30,000 एक ऐसा बजट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सूट करता है। उन स्टूडेंट्स को जो सिर्फ फिलहाल, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड ऐसे कुछ बेसिक से काम करना चाहते हैं। बिकॉज पर्सनली मैं अपनी सजेशन दूँ, जो 30,000 स्पेंड कर रहा है उसको थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके 35-40 के बीच में ले लेना चाहिए, अगर आप ज़्यादा बजट नहीं एक्सटेंड कर सकते तो। बिकॉज 35-40 के बीच में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट स्टिल बजट एक ऐसा कंसर्न्स रहता है। जिन लोगों के लिए बजट कॉन्स्टेंट रहता है तो उन लोगों के लिए हम नहीं कह सकते कि उनको एक्सटेंड करना चाहिए। तो इसीलिए टू हेल्प दोज पीपल मैंने 5 लैपटॉप्स निकाले हैं अंडर 30,000, जिसमें से एक लैपटॉप 30,000 से थोड़ा सा महंगा है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो 5 लैपटॉप्स मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। एंड फॉर श्योर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 30,000 के नीचे लेने का प्लान कर ही रहे हो तो आपको किसी और वीडियो में शायद ना जाना पड़े। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग जाए, हेल्पफुल लग जाए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस टाइम पे मैंने इस वीडियो को बनाया था उस टाइम पे सारे लैपटॉप स्टॉक में थे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको स्टॉक में नहीं मिल रहा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जल्दी से जल्दी आप लैपटॉप्स को ले लो अगर आप प्लान कर ही रहे हो, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। एंड सारे लैपटॉप्स हमने डिसाइड किए हैं, कोशिश करिए कि सब में आपको ओरिजिनल्स विंडोज मिले एंड आपको 4 GB मिनिमम रैम देखने को मिले, हो सके तो 1 TB की हार्ड डिस्क, एंड हो सके तो हार्ड डिस्क की जगह अगर SSD मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वेल यस, अंडर 30,000 SSD। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लैपटॉप, नॉट फर्स्ट, फिफ्थ लैपटॉप जो हमने फिफ्थ नंबर पे रखा है। तो फिफ्थ नंबर पे जो हमने लैपटॉप रखा है दोस्तों, वो है लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3। ये 29990 में आपको देखने को मिल जाता है, रेटिंग 3.4 out of 5। एंड ये AMD Ryzen 3 3200U के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस ब्रैकेट में। 15.6 इंचीज की आपको फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद 4 GB की DDR4 RAM जो आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो 12 GB तक, 1 TB की HDD आपको मिलेगी। विंडोज 10 होम इसमें आपको ओरिजिनल मिलता है एंड MS Office 29 भी देखने को मिलता है, विच इज हाईलाइट इन दिस डिवाइस। 5 hours का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा एंड रैपिड चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है एट द प्राइस ऑफ 29990, यानी अंडर 30,000 ही हुआ। एंड रेटिंग खैर इन लैपटॉप्स की आपको ज्यादातर जगहों पे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट अंडर 30,000 आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन अवेल राइट नाउ। तो लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक सीधा आपको लैपटॉप पे ही लेके जाएगी। एंड अगर आप उन लिंक से बाय करते हो तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आप लेने का प्लान कर ही रहे हो तो उन्हीं लिंक से लेना प्लीज। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं फोर्थ नंबर वाले लैपटॉप की। सो जो फोर्थ नंबर पे हमने लैपटॉप रखा है वो है अविता की तरफ से आने वाला अविता पूरा। एंड ये 27900 का देखने को मिलता था फिलहाल अमेजोन पे जब मैंने इस वीडियो को बनाया। 3.6 out of 5 इसकी रेटिंग है। अगेन AMD Ryzen 3 3200U प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 14 inches की आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये काफी कॉम्पैक्ट लैपटॉप बन जाता है। 8 GB DDR4 RAM, AMD के वेगा की ग्राफिक्स, 256 GB की SSD मिलती हैं। विंडोज 10 होम इसमें आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा एंड अप टू 8 hours की बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सो द मेन अबाउट दिस लैपटॉप इज कि इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है एंड दूसरी चीज, इसमें आपको HDD नहीं 256 GB की SSD मिलती है। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर फास्ट स्टोरेज, उनके लिए स्टोरेज ज़्यादा होना मैटर नहीं करता बट फास्ट होना मैटर करता है, तो वो 256 GB वाले लैपटॉप के साथ जा सकते हैं एंड फ्यूचर में एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके अपनी स्पेस वाला कंसर्न भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा लैपटॉप है। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास है Acer Aspire 3 एंड इट कम्स एट द प्राइस ऑफ 30,000 एंड इसमें आपको AMD Ryzen 3 3250U मिल जाएगा। 15.6 इंचीज की आपको सिर्फ HD डिस्प्ले मिलेगी, इसको ध्यान में रखना। 4 GB की DDR4 RAM मिल जाएगी, अप टू 12 GB तक आप कर सकते हो। 1 TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क मिल जाएगी। विंडोज 10 ओरिजिनल मिलेगा आपको इसमें। 36 Wh की इसमें बैटरी मिलेगी, 2 cell, जो कि 9 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। सो ये है Acer Aspire 3 एंड मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन है। इसका थर्ड नंबर पे होने का रीजन यही है कि इसकी रेटिंग जो थी वो 4.1 थी आउट ऑफ 5 ऑन Amazon, तो इसलिए मैंने इसको जो है थर्ड नंबर पे रखा। इट मींस दैट पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग दिस लैपटॉप। सो दोस्तों, अगर आगे बढ़े एंड बात करें सेकंड नंबर पे लैपटॉप की, तो सेकंड नंबर पे जो हमने रखा है वो है HP 15 एंड ये आता है 29989, 3.4 out of 5 इसकी रेटिंग है। इसमें भी आपको AMD Ryzen 3 3200U मिलेगा।
एंड डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो 15.6 इंचेस की सिर्फ HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 4GB में रैम देखने को मिलती है विद AMD वेगा 3 ग्राफिक्स, स्टोरेज 1TB 5400 RPM, विंडोज 10 ओरिजिनल मिल जाएगा एंड द गुड थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 भी आपको देखने को मिलेगा। अप टू 13 आवर्स का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन एंड ऑलमोस्ट हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन एज दैट ऑफ द अदर ऑप्शन जो मैंने आपको इस लिस्ट में बताए। तो ये भी आपके लिए अगर आप HP ब्रांड ही स्पेसिफिकली प्रेफर करते हो तो दिस वन कैन बी अ चॉइस फॉर यू। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं नंबर वन पे लैपटॉप जो हमने रखा है। वेल नंबर वन पे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मुझे सारे लैपटॉप एक जैसे ही लगे। नंबर वन पे इसलिए जस्ट बिकॉज ये 30,000 से थोड़ा सा ऊपर के बजट पे जाता है और मुझे अच्छा लगा पर्सनली, तो इसलिए नंबर वन पे। सो ये लैपटॉप है ASUS VivoBook 14 एट द प्राइस ऑफ 33688, 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। एंड इसमें आपको i3 10th जनरेशन देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर जो कि 4 थ्रेड्स डुअल कोर प्रोसेसर है। 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 45% NTSC सब में ही इतना ही होगा। 4GB DDR4 3200 MHz की आपको RAM मिलेगी, 12GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगा आपको RAM के लिए। मेमोरी 1TB आपको 5400 RPM मिलेगी 2.5 इंच HDD के साथ, और एक एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाएगा M.2 स्लॉट के लिए। विंडोज 10 होम मिलेगा, 32 Wh की बैटरी मिलेगी, 2 सेल बैटरी होगी। सो दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि इसकी जो अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको 2 RAM स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, हार्ड डिस्क मिलती है एंड एक फ्यूचर के लिए SSD के लिए M.2 एम्प्टी स्लॉट भी देखने को मिलता है। एंड डिस्प्ले भी फुल HD है, प्रोसेसर भी i3 10th जनरेशन है विच इज़ नॉट टू ओल्ड, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। तो अगर आप 30,000 स्पेंड कर ही रहे हैं आई वुड से 3,000 एक्स्ट्रा खर्ची एंड इस लैपटॉप के लिए जाइए। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको इस चैनल पे प्रेजेंट किया हुआ ये कंटेंट पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप पहली बार आए हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।